हे गाइस, आज के इस वीडियो में बात करेंगे हम कीटोसिप शैम्पू के बारे में। कीटोसिप शैम्पू होता क्या है, इसकी सावधानियां क्या है, जैसे कि क्या होता हमारे हेयर में, या फंगस हो जाते हैं, इन्फेक्शन हो जाते हैं तो क्या होता है, बाल झड़ने लगते हैं और काफ़ी प्रॉब्लम भी होती है, इचिंग होती है, रेडनेस हो जाती है, तो उसके बारे में बात करेंगे, उस कंडीशन में क्या देते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। दोस्तों जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे कीटोसिप शैम्पू के बारे में। कीटोसिप शैम्पू होता क्या है, इसकी सावधानियां क्या है, इसका यूज़ क्या है, कैसे यूज़ करते हैं, और प्रिकॉशन क्या है, साइड इफेक्ट क्या है, बेनिफिट क्या है, उसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। दोस्तों कीटोसिप शैम्पू जो होती है ये 100 ml की क्वांटिटी में आती है और ये सिप्ला कंपनी बनाती है। अगर देखी जाए तो ये सिप्ला कंपनी बनाती है जो 100 ml की क्वांटिटी में आती है। आपको कीटोसिप शैम्पू के नाम से, अगर आप कीटोसिप नाम से देखा जाए तो आपको मिल जाएगा। दोस्तों इसकी कंपोजिशन की बात करें अगर, तो इसमें क्या होता है, कीटोकोनाजोल होता है, कीटोकोनाजोल होता है। तो दोस्तों इसकी बेनिफिट के बारे में बात करें, बेनिफिट क्या होता है इसका, बेनिफिट की बात करें दोस्तों इसमें तो क्या होता है, ये कि एंटी फंगल मेडिसिन होती है। जो इसमें कीटोकोनाजोल शैम्पू इंग्रेडिएंट होता है वो क्या होता है, एंटी फंगल का काम करता है। दोस्तों अगर हमारे हेयर में क्या होता है, जैसे कि अगर फंगस हो जाते हैं, रिंग वार्म हो जाता है, इचिंग होती है, रेडनेस हो जाती है, काफ़ी इचिंग होती है, जिसके कारण क्या होता है कि हमारे बाल झड़ने लगते हैं, और बाल झड़ने के साथ साथ क्या होता है, हमारे जो स्किन होती है ड्राई हो जाते हैं, इची हो जाते हैं, पैची हो जाते हैं। तो उसमें इस कंडीशन में क्या करते हैं दोस्तों, इस शैम्पू का यूज़ करते हैं। जैसे कि बाल झड़ना हुआ, तो अगर बाल झड़ना झड़ने लगते हैं तो उस कंडीशन में भी क्या होता है, फंगस की वजह से दी जाती है ये क्या का। और दोस्तों इसका क्या काम होता है, ये एंटी डैंड्रफ का भी काम करता है। जैसे कि अगर डैंड्रफ हो गया है बालों में, हेयर में, तभी ये दिए जाते हैं, ये शैम्पू डैंड्रफ को रोक देता है दोस्तों। और बात करें इसकी, दोस्तों इसकी बात करें कि यूज़ कैसे करते हैं, हाउ टू अप्लाई। तो दोस्तों अगर अप्लाई की बात करें इसको, तो अप्लाई क्या करेंगे, अपने फंगस के अकॉर्डिंग, डैंड्रफ के अकॉर्डिंग अप्लाई करते हैं। जैसे कि अगर बात करें, अगर थोड़ा सा है, हल्का सा है, इन्फेक्शन है, तो उसमें क्या करेंगे, हफ्ते में एक बार यूज़ करेंगे दोस्तों। पहले शैम्पू को अपने ले लें, हैंड पे ले लें, और उसको क्या करें, झाग बना लें। झाग बनाने के बाद पानी में अच्छे से झाग बना लें, उस झाग को अच्छे से फिर लगाएं, फिंगर टिप से इससे ले लें, फिंगर टिप से अच्छे से मसाज कर लें दोस्तों। ज़्यादा ज़्यादा इसको 2 से 3 मिनट तक आपने स्कैल्प पर रखें, उसके बाद वाटर से धुल लें। इस तरह से होता है। अगर जैसे कि इन्फेक्शन ज़्यादा हो गया है तो उस अकॉर्डिंग आपको हफ्ते में 2 से 3 बार यूज़ कर सकते हैं। और फिर इन्फेक्शन जब धीरे धीरे कम हो जाता है दोस्तों, तो क्या होता है कि धीरे धीरे अप्लाई करना बंद किया जाता है, हफ्ते में एक बार किया जाता है, पहले 3 4 बार अप्लाई किया जाता है, फिर 1 बार 2 बार ऐसे अप्लाई की जाती है, आपका धीरे धीरे सही हो जाता है दोस्तों। बात करें इसके साइड इफेक्ट के बारे में, क्या साइड इफेक्ट है, तो साइड इफेक्ट जो दोस्तों है, बर्निंग सेंसेशन हुआ, डायरिया हो सकता है, मतलब स्किन में बर्निंग हो सकती है, जैसे जलन सी हो सकती है, स्टमक पेन हो सकता है, और स्किन रैशेस हो सकती है, स्किन में रेडनेस हो सकते हैं, ये दोस्तों इसके साइड इफेक्ट हैं। और दोस्तों अगर सावधानियाँ की बात करें, तो इसको लगाते समय अपने हाथ, मतलब आँख को, और आँख में और मुंह में बचा के रखें, ताकि आँख और मुंह में आई कांटेक्ट ना हो दोस्तों।